हेलो फ्रेंड्स, आज के एनालिसिस की शुरुआत निफ्टी के 2 और 4 से करते हैं। जिसको हम बार बार देखते आ रहे हैं, यहाँ से ये बी और टू है, वहाँ से अगर हम इस सी और थ्री का पूरे वेव का रिट्रेसमेंट निकाले तो यहाँ पे 23 और 38% ये एक सपोर्ट रेंज था, जिसमें ये एक बार ऑलरेडी आके बाउंस दे चुका है, राइट। और ये दूसरी बार आया और वहाँ से फिर से सपोर्ट लेने के बाद एक अच्छा बाउंस हमें देखने को मिला। तो अभी के लिए 2 ओवर चार्ट को देखें तो यहाँ से लग रहा है कि ये 1, 2, 3 और ये 4 यहाँ पे अगर पूरा है तो निफ्टी फिर से इसके ऊपर जा सकता है, ऐसा हमें 2 ओवर चार्ट को देख के लगता है। अब यहाँ से जो डिक्लाइन है 15,962 से, उसको अगर हम देखने की कोशिश करें ये लोअर टाइम फ्रेम में, ये निफ्टी का 15 मिनट चार्ट है। अभी के लिए हमें ये एक जिगजैग टाइप का एबीसी लग रहा है, लेकिन कन्फ्यूज़न यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना है कि यहाँ पे ये जो करेक्टिव वेव, जिसको अभी के लिए हमें मानना पड़ेगा, लेकिन इसका इंटरनल स्ट्रक्चर हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 टाइप का लग रहा है। और अगर ये एबीसी है तो इसमें इसको ए बी और सी इस तरह से होना चाहिए, तो ये वेव सी का प्रोजेक्शन बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, राइट। तो यही थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है और कुछ नहीं है। यहाँ पे ये इसका ये जो डिक्लाइन है ये इसका 100% ऑलरेडी अचीव हो चुका है। तो अगर ये एक सिंपल जिगजैग करेक्शन है तो यहाँ से निफ्टी ऊपर जा सकता है इसके और इसके ऊपर, ऐसा हम मान सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम क्या करते हैं, ये जो बाउंस है 15,513, वहाँ से जो बाउंस है उसको लोअर टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं, शायद वहाँ से हमें कुछ इमीडिएट मूव मिल जाए। ये निफ्टी का 5 मिनट चार्ट है, यहाँ पे काउंटिंग थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। यहाँ पे 1, 2 और वेव 3 के अंदर ये 1, 2, 3, 4 और वेव 5 जो है यहाँ पे 100% से थोड़ा सा यहाँ पे कम प्रोजेक्ट हुआ है। तो अभी के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का रिट्रेसमेंट निकाले तो ये इमीडिएट सपोर्ट रेंज बन जाता है निफ्टी के लिए 15,751 से लेके 15,710। ये जो है इमीडिएट सपोर्ट रेंज है और यहाँ से फिर से हमें बाउंस देखने को मिल सकता है, लेकिन 15,710 के नीचे ट्रेड करता है तो यहाँ से नेगेटिव हो सकता है, अदरवाइज ये एक इमीडिएट सपोर्ट रेंज है। तो ये इमीडिएट मूव के लिए हमने 5 मिनट चार्ट में बात कर ली। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का अगर 2 ओवर चार्ट देखे तो यहाँ पे ये एबीसी लग रहा है हमें, क्योंकि ये जो डिक्लाइन है इसने इस टॉप को ब्रेक कर दिया है, तो इसको हम अभी A/1 और B/2 यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। तो ओवरऑल 2 ओवर चार्ट में बैंक निफ्टी को देखे तो एक करेक्टिव बाउंस हमें दिख रहा है, तो 2 ओवर चार्ट में हमें नेगेटिव लग रही है बैंक निफ्टी, राइट। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर हम रिट्रेसमेंट निकाले तो ये 23 और 38%, यहाँ पे ये 3 बार टेस्ट हो चुका है 38% का लेवल। तो अल्टीमेटली तो अगर हम देखें तो ये अभी ये 3 बार टेस्ट होने के बाद हम मान सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस बन सकता है। जब तक ये 35,000 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं करता तब तक हम इसको पॉजिटिव नहीं मान सकते 2 ओवर चार्ट को देखे, राइट। क्योंकि यहाँ पे ये करेक्टिव बाउंस भी लग रहा है और ये 3 बार इसको टेस्ट कर चुका है, लेकिन वहाँ से अच्छा बाउंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है, राइट। तो अभी के लिए जब तक ये 35,000 के नीचे है हम इसको नेगेटिव मान सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए देखें तो ये 35,985 से जो डिक्लाइन है उसको अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ से जो डिक्लाइन है ये हम इम्पल्सिव डिक्लाइन मान रहे थे, यहाँ पे फिर से एक एबीसी, लेकिन हमने यहाँ पे प्रोजेक्शन 100% का नहीं दिया था। रीज़न मैंने कल के वीडियो में बताया था, निफ्टी जो है पॉजिटिव लग रहा था इसीलिए। अभी ये जो डिक्लाइन है ये इसका 61% डिक्लाइन दिया है, राइट। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे डिक्लाइन का रिट्रेसमेंट निकालते हैं। तो 61% आ रहा है यहाँ पे 35,270, राइट। तो जब तक ये 35,270 को क्रॉस नहीं कर देता तब तक इसको हम पॉजिटिव नहीं मान सकते। ओवरऑल मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैं कल या परसों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जब तक ये 35,270 को क्रॉस नहीं कर देता तब तक बैंक निफ्टी जो है उसको हम पॉजिटिव नहीं मान सकते, तब तक ये रेजिस्टेंस रेंज ही हम मानेंगे, राइट। अब इमीडिएट मूव की बात करें कल या परसों की, तो 34,115 से जो बाउंस है उसको अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करें 5 मिनट चार्ट में, तो यहाँ पे 34,115 से ये जो बाउंस है इसकी काउंटिंग देना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पे मैंने कोशिश भी नहीं की है, इसीलिए हम यहाँ से लेके यहाँ तक का जो बाउंस है उसका अगर हम रिट्रेसमेंट निकालें तो 23 और 38% यहाँ पे आ रहा है, राइट। तो ये बैंक निफ्टी के लिए एक इमीडिएट सपोर्ट रेंज है 34,620 से लेके 34,525,
राइट। ये इमीडिएट सपोर्ट रेंज है, यहाँ से बाउंस देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर 34,525 के नीचे ट्रेड करता है तो यहाँ से डिक्लाइन और भी नीचे के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं अगर इसके नीचे ट्रेड करता है तो। निफ्टी बैंक निफ्टी जो भी सिनेरियो था समझाने की कोशिश की है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।